हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और ये टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या हम कह सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन सॉलिड स्टेट। ना ये क्वेश्चन बहुत, ये टॉपिक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज नेट सेट या IIT जैम या गेट की बात करें, क्योंकि जितने भी MSc का जो सॉलिड स्टेट है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अराउंड घूमता है। और हम MSc और BSc में सॉलिड स्टेट, नॉट BSc, MSc में हम जो सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हम वहाँ पे सॉलिड स्टेट की इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के डेप्थ में चले जाते हैं और उसके डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सॉलिड स्टेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आई कहाँ से हैं, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से मेरे कितने अलग अलग टाइप के मटेरियल मेरे पास होते हैं। देखो, इसको एक्सप्लेन करने का एक सबसे बेस्ट तरीका यह होता है कि किसी भी एटम को, हम एक एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो भी सॉलिड बना हुआ है वो सॉलिड एटम्स का है, मॉलिक्यूल्स का है, आयंस का बना हुआ है। और वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, होता तो उसके पास इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी जो होती हैं केमिस्ट्री में वो डिटरमाइन करती हैं इलेक्ट्रॉन्स, उन केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा है। तो किसी भी एटम में जब आप नोटिस करो, यू विल फाइंड कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैं एक बहुत हाइपोथेटिकल एटम बना रहा हूं जिसके अंदर लड़े से 3 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास अवेलेबल हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, हर इलेक्ट्रॉन का दो मोशन होता है। एक होता है वो खुद के अराउंड स्पिन करता है, उसको हम कहेंगे कि उसका वो स्पिन मोशन है। दूसरा वो ऑर्बिट के चक्कर काटता है, जिसको हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। अब यहाँ पे ऑर्बिटल का मतलब वो क्वांटम वाला ऑर्बिटल नहीं है, विच ऑर्बिटल व्हाट आई मीन टू से इज कि वो उस न्यूक्लियस के चक्कर काटेगा। तो जब वो उस न्यूक्लियस के चक्कर काटेगा, याद रखना हमारे पास एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसमें ऑलरेडी होता है क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है। जब भी एक चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। अब इमेजिन करो कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर काटने वाला है। अब जब वो उसके इर्द गिर्द चक्कर काटेगा, उसकी दूसरी प्रॉपर्टी वो खुद स्पिन होगा, जस्ट लाइक जैसे धरती सूरज के चक्कर काटती है प्लस वो खुद भी स्पिन होती है, सेम इसीलिए हमारा इलेक्ट्रॉन भी वैसे करता है। शायद यही रीजन है कि हमारे जो अब जो हम एटॉमिक मॉडल लेते हैं उसको प्लेनेटरी मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्लेनेट के साथ कहीं ना कहीं रिसेंबल करता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ धरती का मून होता है, इलेक्ट्रॉन के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वहाँ पे एक नेचुरल सैटेलाइट नहीं है हमारे पास। तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पे चक्कर काटेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा तो पहला मैग्नेटिक इफेक्ट जो आएगा वो उसके उस मोशन की वजह से आएगा, जहाँ पे वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, उस मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को हम कहेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो उस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है पहला। दूसरा इफेक्ट जो हमारे पास आता है वो होता है कि इलेक्ट्रॉन खुद स्पिन करता है। जब इलेक्ट्रॉन खुद स्पिन करता है तो इलेक्ट्रॉन दो तरीके से स्पिन कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है। अब जब वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब उसमें नॉर्थ पोल कहाँ होगा, साउथ पोल कहाँ होगा, इसका सिंपल रूल याद रखना, जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो। जैसे मेरा पहला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ है वो इस तरीके से स्पिन कर रहा है, तो जो आपका थंब होगा ना, थंब ये आपका नॉर्थ पोल बताएगा, सॉरी साउथ पोल बताएगा, तो आपका थंब साउथ पोल बचाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। तो मैंने अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ ड्रॉ किया, अगर वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में स्पिन करता है, ऊपर साउथ पोल आएगा, नीचे नॉर्थ पोल आएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ स्पिन करता है इस तरीके से, उसका स्पिन एक्सेस इस तरीके से होता है, तो यहाँ पे साउथ पोल आएगा और ऊपर कौन सा हो जाएगा, उस समय नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो ये स्पिन मोशन एज वेल एज ऑर्बिटल मोशन, जो वो ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, ये दो मोशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पे ना बहुत डिटेल में अगर मैं जाऊँ, आप अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ो या आप डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ो, यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जिसको मैं मानता हूँ वो मैं कहूँगा उसका स्पिन। हम इस टॉपिक में जो भी बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के बारे में बात करेंगे, उसके ऑर्बिटल मोशन का कंसिडरेशन क्या होगा, कैसे होगा, ये समझने के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जहां पर हम समझेंगे कि कब हमें उसका ऑर्बिटल मोशन यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन स्पिन भी कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन चक्कर भी काट रहा है, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये अगर समझना है तो हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इतना ही बना सकते। लाइक मैं ऐसा मानता हूं कि हर एक टॉपिक के लिए अगर अलग वीडियो बना के समझने की कोशिश तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, नहीं तो सारी चीजें जंबल हो जाएंगी। यहां इस वीडियो में हम जो फोकस करने वाले हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन पे हम फोकस करने वाले हैं कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन करता है
तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड से हम सब्सटेंसेस को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी बहुत बार। जब भी आप किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो हम उसके लास्ट में देखते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं। अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन, अभी दो कंडीशन होती है, या तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो सकते हैं। जैसे एक सिचुएशन लेता हूं कि मान लो मेरे पास एक s और एक p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल में मेरे पास दो सिचुएशन है। मान लो एक टाइम है जब p ऑर्बिटल पूरी की पूरी तरीके से भरी हुई है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, और एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर मेरे पास p ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है। मैं जरा इस सिचुएशन को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, मैं दो पैर नहीं बनाता, मैं सिर्फ एक ही पैर यहां ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। एक मेरे पास पैर है इलेक्ट्रॉन्स का जो अपोजिट स्पिन कर रहा है। एक टाइम पे वो स्पिन ऐसे कर रहा तो उसके ऊपर कौन सा पोल आएगा, उसके ऊपर साउथ पोल आएगा, नीचे नॉर्थ पोल आएगा, और दूसरे मोशन में वो स्पिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से कर रहा है तो इसका नीचे साउथ पोल ऊपर नॉर्थ पोल आएगा। अब सिंस ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में स्पिन कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक स्पिन क्वांटम नंबर भी यूज करते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखाया जाता है, हम उसके में भी फिलहाल नहीं जाते, बट हमको पता है कि हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर दो तरीके का होता है, एक होता है प्लस हाफ और एक होता है हमारे पास माइनस हाफ। ये प्लस हाफ माइनस हाफ भी एक तरीके से आपको यही सिखा रहा होता है, यही बता रहा होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन का मोशन कहां है, किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। अब मेरा जो ये इलेक्ट्रॉन है एक अगर ऊपर डायरेक्शन में एक नीचे डायरेक्शन में, इनका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है, मैं कह सकता हूँ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो गए, अब इनको किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन अभी तक किसी के साथ पेयर्ड नहीं हुआ है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का साउथ पोल और इसका नॉर्थ पोल अभी तक किसी के साथ एंगेज नहीं हुआ है, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वजह से इस एटम के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्योंकि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अभी तक किसी के साथ जनरेट नहीं हुआ। देखो यहां से नॉर्थ पोल से निकलने वाला सारा मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ चला गया, यहां से नॉर्थ से निकलने वाला सारा किसकी तरफ चला गया, साउथ की तरफ चला गया। ओवरऑल इफेक्ट इन दोनों, देखो मैं फिर से कह रहा हूं, मैं यहां सिर्फ स्पिन की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन रुके हुए नहीं होंगे, वो ऑर्बिटल मोशन में भी होंगे। ऑर्बिटल मोशन के कंसीडरेशन वाले वीडियो को मैं बाद में बता दूंगा, जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसे आएगा, कहां से आएगा, और उसको हम कब कंसिडर करेंगे, कब नहीं करेंगे, ये स्पेशली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो जब हम वहां पे वीडियो बनाएंगे तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो फिलहाल हम यहां पे ये समझ रहे हैं कि अगर मेरे पास किसी एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। अब तुम बोलोगे भाई ऐसे कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, देखो इसका सिंपल सा फंडा समझने की कोशिश करो। जब भी आप किसी सब्सटेंस को लेते हो और उस सब्सटेंस को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, whenever you take a substance and you are trying to place it in an external magnetic field, मान लेते हैं यहाँ पर आपने नॉर्थ पोल रखा है और आपने सामने यहाँ पर साउथ पोल रखा है, यूजुअली होना क्या चाहिए था, अगर आपके पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और मान लो आपने बीच में कोई भी सब्सटेंस नहीं रखा है, एक सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे आपने एक भी सब्सटेंस नहीं रखा, उस केस में आपका सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलेगा और यहाँ की तरफ चला जाएगा, ऑल द मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टूवर्ड्स साउथ पोल। लेकिन जब आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक एक्सटर्नल सब्सटेंस बीच में रखते हो, या मैं कह सकता हूं एक मीडियम बीच में रखते हो जिसके में से इस मैग्नेटिक फील्ड को आप गुजरना पड़ेगा और सामने वाले साउथ पोल के पास जाना पड़ेगा, तो डिपेंड करता है कि आपका ये जो मटेरियल है, ये जो आपने मटेरियल रखा है, ये अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से बिहेव करता है। अगर इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो भाई ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में कोई इंटरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनके आपस के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे के साथ पेयर हो गए हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ये जो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, इनका इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर मान लो उसमें इस सब्सटेंस में कोई एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते, बाकी सब जोड़ियों में हैं, बेचारे यही हैं जो अनपेयर्ड हैं, अब अगर ये अनपेयर्ड होते तो नॉर्मल टेम्परेचर पे या नॉर्मल टाइम पे जब आपने इनको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा होता, कोई इस तरीके से अलाइंड होता, रैंडम अलाइनमेंट होता। लेकिन जैसे ही आप उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाके रखते हो, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद देखो हम एक एक काम कर लेते हैं। ये हेड की तरफ मान लेते हैं साउथ पोल है, यहाँ मान लेते हैं नॉर्थ पोल है,
साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल। अब देखो इनका साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ कोई भी किधर भी कैसे भी किसी डायरेक्शन में अलाइंड है, तो हम कहेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर प्रोड्यूस है वो जीरो है, क्योंकि सब का पता नहीं कौन कहाँ किधर कैसे है। पर जब आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें से अप्लाई करते हो, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि सामने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, आपका नॉर्थ है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करेंगे कि अब इनका साउथ किसकी तरफ आना चाहिए, इस अप्लाइड नॉर्थ की तरफ, इसका साउथ किसकी तरफ आना चाहिए, अप्लाइड नॉर्थ की तरफ, समझ में आया, इसका साउथ किसकी तरफ आना चाहिए, अप्लाइड नॉर्थ की तरफ, जिसकी वजह से हो ये जाएगा कि आपका जो ऊपर का साउथ है उसको इनका नॉर्थ मिल जाएगा, उनको इनका नॉर्थ मिल जाएगा, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, उनको इनका नॉर्थ मिल जाएगा। तो मैं एक तरीके से कहूंगा, देखो मैं यूं कह सकता हूं कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड वहां नहीं जा रहा है, एक्चुअली इन इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप को ऐसे अलाइन कर लिया कि इनका साउथ इसके नॉर्थ के सामने आ गया और इसका नॉर्थ इसके साउथ के सामने चला गया, ऐसा लग रहा है जैसे मैग्नेटिक फील्ड पास हो गया। अब समझ में आया, यही मैग्नेटिक फील्ड पास हुआ है ऐसा नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो तुमने अप्लाई किया है, दिस मैग्नेटिक फील्ड दैट यू हैव अप्लाइड इज वर्किंग, इज एक्टिंग ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स हु आर स्पिनिंग, अनपेड इलेक्ट्रॉन जिनका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि उनके स्पिन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स ने खुद को ओरिएंट किया इस तरीके से, उनका साउथ इसके नॉर्थ के सामने, तो एक पोल ऐसा बन गया। अब अगर आप देखोगे नॉर्थ और साउथ हो गया, पर ऊपर नॉर्थ आ गया ना, ऐसा लग रहा है यहां का नॉर्थ खिसक के ऊपर चला गया, इसको हटाता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये देखो ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ सामने आ गया, तो नॉर्थ कहाँ चला गया, अब नॉर्थ अब यहाँ चला गया, ऐसा नहीं लग रहा नॉर्थ अब साउथ के सामने, जो नॉर्थ यहाँ था अब वो नॉर्थ यहाँ आ गया और साउथ के सामने आके खड़ा हो गया। बस प्रॉब्लम ये है, ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ नहीं गया है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड पूरा वहाँ पे पहुंचा है वो डिपेंड करता है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते तो अपने आप को ज़्यादा अलाइन करते, ज़्यादा नॉर्थ साउथ की तरफ आते, तो यहाँ से निकला हुआ मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर ज़्यादा हद तक पहुँच पाता। तो कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक है कि वो नॉन मैग्नेटिक है, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, अब मैं यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, क्या वो इलेक्ट्रॉन पैड हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉन अनपैड हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन पैड होते तो वो लोग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन अनपैड होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करेंगे कि नॉर्थ के सामने उनका साउथ आएगा और उनका नॉर्थ अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साउथ के सामने जाके खड़ा हो जाएगा, इस तरीके से उनमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो जाएगा। अब पास हो जाएगा इन द सेंस दे आर ओरिएंटिंग देमसेल्फ इन सच अ वे दैट इट सीम्स लाइक कि मैग्नेटिक फील्ड उनमें से पास हो रहा है, बट दैट्स नॉट द एक्चुअल केस, मे बी एक्चुअल केस होगा, बट देखने वाले को ऐसा लगेगा कि यहाँ से सारा मैग्नेटिक फील्ड यहीं का मैग्नेटिक फील्ड निकल के वहां गया है, रेदर ऐसा हो रहा है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके साउथ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और इसका नॉर्थ इसके साउथ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो इंटरेक्शन इज डिफरेंट, इट सीम्स लाइक कि यही नॉर्थ वहां पे जाके इंटरेक्ट कर रहा है। सो दिस इज हाउ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड कैन बी एक्सप्लेन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस बेस्ड ऑन दिस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, कितने अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। तो जो सबसे पहला सब्सटेंस होता है उसको कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। नाउ व्हाट बेसिकली डू यू मीन बाय डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को पैड करके रखे हुए हैं, उनको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई लेना देना नहीं होता, दे हैव गॉट नो इंटरेस्ट इन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से इसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड पास होता ही नहीं है, क्योंकि पास करने के लिए देखो तुमने ये नॉर्थ लगाया है, ये नॉर्थ यहाँ से गुजरेगा, अब व्हाट डू यू मीन बाय गुजरेगा, ऐसा थोड़ी ना होता कि मैग्नेटिक फील्ड उसमें से क्रॉस करके निकल जाएगा। अब आपको मैंने बता दिया है कि व्हाट बेसिकली डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड का गुजरना, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ ये लेके, आपने नॉर्थ पोल लगाया और ये दो बंदे जो हैं आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनको तुम्हारे साथ कोई लेना देना ही नहीं है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड पीछे लगाए हुए साउथ के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, ऐसा लगेगा जैसे ये आपके लिए बैरियर का काम कर रहा है। कितना अच्छा होता अगर दोनों अलग अलग होते, आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया ये आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनका नॉर्थ आपके साउथ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो इनका साउथ बाजू वाले के नॉर्थ के साथ इंटरेक्ट करेगा, ऐसा लगेगा मैग्नेटिक फील्ड पास हो गया है। सो दैट्स व्हाट वी कॉल पासिंग ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ मीडियम, समझा? पर अगर वो इलेक्ट्रॉन सारे इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड पास ही नहीं होगा, तो हम ऐसे मटेरियल में से कहेंगे कि ये मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ नहीं करता है जाने के लिए, और ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो हम उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स आर पैड, लेकिन अगर इस सब्सटेंस में थोड़ा बहुत या एक दो इलेक्ट्रॉन अनपैड होते,
अगर एक दो इलेक्ट्रॉन या थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन अनपैड होते, ये अनपैड इलेक्ट्रॉन अब अपने आप को अरेंज करते अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और जब उनका साउथ इसके नॉर्थ के सामने आएगा, नॉर्थ इसके साउथ के सामने जाएगा, तब हम कहेंगे हाँ चलो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। नाउ मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहा हूँ। कैसा होता है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, आई बेट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में फ़र्क क्या है। देखो, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में अनपैड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कब पैरामैग्नेटिक होगा और कब फेरोमैग्नेटिक होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ। मैं भी थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने भी कुछ टीचर्स को पूछा है, काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में मेन फ़र्क क्या होता है, कब पैरामैग्नेटिक होगा कब फेरोमैग्नेटिक होगा, आप मुझे बताने की कोशिश करोगे। अगर मुझे कमेंट आपका अच्छा लगा, आपका आंसर अच्छा लगा, तो ऑब्वियसली यू विल डिजर्व अ रिप्लाई फ्रॉम माय साइड, ठीक है। नाउ फंडा सिर्फ बड़ा सिंपल है, अगर आपके पास अनपैड इलेक्ट्रॉन हैं तो उस अनपैड इलेक्ट्रॉन में से मैग्नेटिक फील्ड गुजर जाएगा, गुजरेगा इन द सेंस क्या हो गया, वही आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका साउथ इस नॉर्थ की तरफ आ जाएगा और उनका नॉर्थ उस साउथ की तरफ आ जाएगा, ऐसा लगेगा यहां से मैग्नेटिक फील्ड इधर आया और इधर से निकल के वहां चला गया, हम कहेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करता है जाने के लिए। तो ऐसे सब्सटेंसेस में अनपैड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो मेरे पास अनपैड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दो प्रॉपर्टीज आती हैं, पहली होती है पैरामैग्नेटिज्म, दूसरी होती है फेरोमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में भी अनपैड इलेक्ट्रॉन होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी अनपैड इलेक्ट्रॉन होता है। आप सिर्फ अनपैड इलेक्ट्रॉन देख के प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि वो पैरामैग्नेटिक है कि फेरोमैग्नेटिक है, इसमें कुछ और भी है, आपको मेरे लिए थोड़ा रिसर्च करना है कि और क्या है। अगर नहीं मिलेगा तो मेरे आने वाले वीडियो में मैं आपको पक्का बता दूंगा कि क्या मेन फर्क है। मैं हिंट देके छोड़ देता हूं, इसका आंसर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा हिस्टेरेसिस लूप में, ये एमएससी में पढ़ाया जाता है हिस्टेरेसिस लूप, उसमें आपको इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर मिलेगा, ठीक है। और इसमें मैं कह सकता हूं कि एक और आपको मैं बता सकता हूं, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी करके एक टॉपिक आता है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी करके एक टॉपिक आता है, मैग्नेटाइजेशन करके एक टॉपिक आता है, जरा इनके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में फर्क क्या है, जबकि दोनों में अनपैड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली सिचुएशन ये हो गई, मान लो एक ऐसे सिचुएशन आ जाए जिसमें अनपैड इलेक्ट्रॉन है, अनपैड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो अनपैड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं किसी तरीके से, मतलब एक अनपैड इलेक्ट्रॉन इधर है, एक और अनपैड इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो उसके अपोजिट खड़ा हुआ है, एक और अनपैड इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक और अनपैड इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट खड़ा। भाई मैंने तो सिचुएशन बताई मैग्नेटिक फील्ड पास होने के लिए, इसका साउथ है, इसका साउथ है, इसका साउथ है, इसका साउथ है, इसका नॉर्थ, इसका नॉर्थ, इसका नॉर्थ, इसका नॉर्थ, देखो ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि दे आर अनपैड, पैड होते तो आपस में इंटरेक्ट करते, फिर भी इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होगा। रीजन क्या है, जितना साउथ इसको पास करने देगा इस अप्लाइड नॉर्थ पोल को, इस अप्लाइड नॉर्थ पोल को जितना साउथ अलाउ करेगा उतने ही आपके पास नॉर्थ हैं। तो यहाँ पे जो स्पिन्स हैं ना वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। अगर आपकी स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, इवन दो दे आर अनपेयर्ड बट स्टिल दे आर कैंसिलिंग ईच अदर, हम ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि उसमें से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो, क्योंकि वो अनपेयर्ड है पर वो एंटी बिहेवियर दिखा रहा है, नहीं अलाउ नहीं करेगा इवन दो अनपैड हैं, ठीक है। फिर एक स्पेशल केस आता है जिसको कहा जाता है फेरी मैग्नेटिज्म। नाउ व्हाट बेसिकली डू यू मीन बाय फेरी मैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म का मतलब होता है ये सब्सटेंस एक ऐसा होगा जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, अनपैड इलेक्ट्रॉन भी होंगे लेकिन उतना मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाएगा जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं, मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 के 10 अनपैड हैं, लेकिन उसमें से दो तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनपैड है ना, तो तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक डायरेक्शन में खड़े हुए हैं, तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए हैं, फिर उसके बाद अगले चार इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, अगले चार इलेक्ट्रॉन वो एक डायरेक्शन में खड़े हैं। अब अगर मुझे एक बात बताओ, साउथ उसके जो जो उसको जो स्पिन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की, वो आपको नहीं लगता अनबैलेंस्ड हैं? अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे खड़े हो जाते कि मैग्नेट, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये साउथ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है यहाँ पे, ओके, ये यहाँ पे साउथ है, साउथ है, साउथ है, ये नॉर्थ, ये साउथ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये साउथ है। अब तुम देखो जरा, साउथ नॉर्थ के सामने साउथ आया, नॉर्थ के सामने साउथ आया, नॉर्थ के सामने साउथ आया, ये तीन इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड को जाने की परमिशन देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस तरीके से अरेंज किया कि ऐसा लग रहा है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकला, यहाँ पे खत्म हुआ, फिर यहाँ से निकला, यहाँ पे खत्म हुआ, तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो गया। लेकिन आपको नहीं लग रहा ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे, जाने नहीं देंगे, इंटरेक्शन ही नहीं आएगा ना मैग्नेटिक फील्ड का। तो दिस आर दी ओनली इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक बिहेवियर, या मैं कह सकता हूँ यही वो इलेक्ट्रॉन्स है जो
अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में उस सब्सटेंस को मैग्नेटिक बिहेवियर देते हैं। ये लोग भी अनपैड हैं, ये लोग भी अनपैड हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन में खड़े हैं, जिसकी वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए था। अब कोई तुमसे कहे देखो यार 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनपैड हैं, अब 10 इलेक्ट्रॉन अनपैड है तो इंसान क्या सोचेगा, यार 10 अनपैड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा, 10 के 10 मुझे सपोर्ट करेंगे और 10 के 10 मेरे इलेक्ट्रॉन। इट्स जस्ट लाइक अ पॉलिटिकल गेम। आपने देखा सरकार में भी यही होता है, 10 लोग हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि 10 के 10 मुझे सपोर्ट करेंगे, पर पता चलता है 3 सपोर्ट कर रहे हैं, 4 मेरे विपरीत, मेरे अगेंस्ट जाके खड़े हो जाते हैं, जबकि अलग 10-10 हैं। मैं एक्सपेक्ट करता था 10 का सपोर्ट, आया मुझे सिर्फ 3 का सपोर्ट। तो मेरे पास थे 10 लोग पर सपोर्ट मुझे सिर्फ 3 का आया, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पास होगा, नो डाउट पास होगा, पर वो एक्सपेक्टेशन से कम होगा। तो मैं उसको कहूंगा फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, या हम उस प्रोसेस, उस फिनोमिनन को कहते हैं फेरी मैग्नेटिज्म। तो यहाँ इस वीडियो से मुझे सिर्फ ये 3 चीज़ें बतानी थी, ये 4 मेन चीज़ें या 5 मेन चीज़ें बतानी थी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, और फेरी मैग्नेटिज्म या फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ, आने वाले वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे जो MSc से रिलेटेड होगी, और उसमें हम कुछ डेरिवेशन देखेंगे और हम कुछ ग्राफ देखेंगे, जो ग्राफ हमको IIT जैम, नेट, सेट और गेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए अगर मैं कह रहा हूँ वो बहुत, ये वीडियो काफ़ी बेसिक लेवल का वीडियो था, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनके बेसिक्स इतने अच्छे नहीं होते और जिनको बहुत डाउट्स होते हैं दिमाग में, तो ये वीडियो उनके लिए भी था जिन स्टूडेंट्स को पढ़ना है या जिनका बेसिक्स थोड़ा वीक है, ताकि ये उसको कवर अप कर सकें। अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन छोड़ा है ना कि अनपैड इलेक्ट्रॉन होने से, अनपैड इलेक्ट्रॉन होने से वो पैरामैग्नेटिक होगा कि फेरोमैग्नेटिक होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, तो इस क्वेश्चन के आंसर की जो शुरुआत है वो अगले वीडियो में होगी। तो प्लीज़ गाइज अगले वीडियो का वेट कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो देखा करो। मुझे पता है एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आप पढ़ते हो, पर यकीन मानिए क्या करोगे उस डिग्री का कि आप एंट्रेंस एग्जाम पास हो गए हो पर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि मैं एंट्रेंस एग्जाम पास ना हूं चलेगा, पर मुझे एटलीस्ट कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कल को कहीं मैं इंटरव्यू में बैठा या कहीं डिस्कशन में बैठूं तो एटलीस्ट मैं उस डिस्कशन का हिस्सा बन सकूं, और उस डिस्कशन में या उस ग्रुप डिस्कशन में मैं अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकूं, क्योंकि मुझे वो टॉपिक आता है। सिर्फ फॉर्मूला बाय हार्ट करना और फॉर्मूला बाय हार्ट करके उससे रिलेटेड 10-15 MCQ को सॉल्व कर देना इज नॉट एजुकेशन। द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन that you know and that you can contribute and that you can speak on that particular topic for a long period of time, for a brief period of time. So I request you all people to watch videos, make notes, explore things, जाओ Google पे देखो, YouTube पे देखो। मैं Google YouTube को भी को advocate नहीं करूँगा, मैं rather आपसे कहूँगा कि आप जाओ और जाके books देखो, library में जाओ, अपने teacher से पूछो कि मुझे magnetism के बारे में पढ़ना है, मुझे कौन सी book मिल सकती है। Physics देखो, physics की domain theory को पढ़ो। जब आप एक चीज़ को पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो ना, उस process में आप बहुत कुछ नया सीखते हो, ट्रस्ट मी, बहुत कुछ नया सीखते हो। आप जब Google पे बैठते हो ना, आपने क्वेश्चन डाला, आपको आंसर मिला, आपको लिमिटेड चीज़ें मिल जाती हैं, उससे आपका ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पाता। जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ उसको डायरेक्ट गूगल पे मत जाया करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइब्रेरी जाओ, बुक्स इशू करवाओ या बुक्स खरीद लो, आई हैव गॉट अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स, बुक्स में जाओ बैठो, उससे रिलेटेड अगर उसमें कहीं फिजिक्स का मेंशन किया, जाओ फिजिक्स में पढ़ो, देखो फिजिक्स वाले लोग उस डोमेन थ्योरी को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हो, और वापस केमिस्ट्री पे आओ और फिर से समझो, आपका अंडरस्टैंडिंग पावर पक्का बढ़ जाएगा, क्योंकि उस तरीके से आपने उस टॉपिक से रिलेटेड इर्द गिर्द की सारी चीज़ें सीख ली हैं, और फिर आप मेन टॉपिक को पढ़ रहे हो, आप अच्छा कमांड बना सकते हो, और नो डाउट आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है तो एंट्रेंस एग्जाम पास करना काफी इजी हो जाता है। मेरा हुआ नहीं है, पर ठीक है, आप कर लोगे, आप काफी स्मार्ट लोग हो, आप कर लोगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। इन केस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर, लाइक नहीं करोगे चलेगा, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और नए नए लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाना। बाय बाय, टेक केयर।